दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखना। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा और इस वीडियो से आपके जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसका सोल्यूशन भी हो जाएगा और आपको हेल्प भी मिलेगी। इंडक्शन में एक ऐसा फॉल्ट या इंडक्शन कुकटॉप या कुकर में ऐसा फॉल्ट जो बहुत बार देखा जाता है और जिससे रिलेटेड बहुत सारी कमेंट्स मुझे आती रहती हैं, तो उसका सोल्यूशन इसी वीडियो में है। फॉल्ट क्या है? इंडक्शन कुकटॉप में आप कोई चीज गर्म करने के लिए रख रहे हैं और वो चीज़ बहुत देर में गर्म हो रही है। पहले नॉर्मली वो होती थी जब स्टार्टिंग में आप इंडक्शन खरीद रहे हो उस वक्त जो चीज़ है ना गर्म हो रही थी 5 या 10 मिनट में, अब वो बहुत देर में हो रही है, आधा आधा घंटा ले रही है गर्म होने में। वो कहाँ से, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए सॉल्यूशन बताता हूँ। इंडक्शन कुकटॉप किसी भी कंपनी का हो या कितने भी वॉट का हो आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, आपको सीधे मदरबोर्ड पर चलना है या इसके सर्किट बोर्ड पर चलना है। अलग अलग सर्किट वाले इंडक्शन मैंने लिए हुए हैं, एक ये वाला अलग माइक्रो कंट्रोलर का है, ये अलग माइक्रो कंट्रोलर का, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ एक सेक्शन से आती है, वो सेक्शन है ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। ज़्यादातर डिस्प्ले वाले जो कनेक्टर होता है उसके बगल में ही वो सेक्शन होता है या वो पार्ट होता है, ये वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब ये कंपोनेंट या तो अगर खराब हो जाए तो आपके इंडक्शन में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, या फिर अगर ये कंपोनेंट कोई छेड़ दे तो भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ये कंपोनेंट का नाम है प्रीसेट। इस कंपोनेंट की दो लेग, एक लेग जो आईजीबीटी के अमीटर से कनेक्टेड होती है और दूसरी लेग माइक्रो कंट्रोलर के एक पिन से कनेक्टेड होती है, यानी कि आईजीबीटी के को सेंस करके इसको सिग्नल देता है। इसको छेड़ने पर या इसको इसके ओपन हो जाने पर वो सिग्नल टूट जाता है जिसकी वजह से आपका इंडक्शन प्रॉपर काम नहीं कर पाता, सही तरीके से टेम्परेचर वो सही तरीके से आपके कोई भी चीज़ों को गर्म नहीं कर पाता। तो ये जो है प्रीसेट, इसमें कंपनी वैसे ज़्यादातर प्रीसेट जो होती है वो 501 नंबर का लगा के देती है जिसकी वैल्यू 500 ओम्स होती है, लेकिन उसको कंपनी लगभग 200 ओम्स से लेके 260 ओम्स तक में सेट करके देती है। अगर ये 501 नंबर है तो 501 नंबर को रेजिस्टेंस की लैंग्वेज में, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जैसे नॉर्मली आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये फिक्स वैल्यू को होते हैं और ये वेरिएबल होता है, तो इसको अलग से प्रीसेट भी कहा जाता है या वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो अगर यहाँ पर ये इसको कोई इस तरीके से घुमा दे तो जो सिग्नल होता है ना वो बहुत लेट जा रहा होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, नंबर वन। नंबर टू, अगर ये ओपन हो जाए या इसके कोई लेग में जंग खा जाए या अंदर से खराब हो जाए, भाई वेरिएबल है तो अंदर से कार्बन लगने का खतरा होता ही है या खराब होने का खतरा होता ही है, ये खराब होने की वजह से भी प्रॉपर सिग्नल ना जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें बताऊंगा, या तो आप इसमें प्रीसेट लगा लो 500 ओम्स का और उसको बिल्कुल बीचों बीच में सेट कर लो इस तरीके से, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपके पास प्रीसेट नहीं है तो इसके नीचे जो दो लेग आपको दिख रही है ना, ये देखिए इसकी जो, वैसे तो तीन लेग प्रीसेट में होती है लेकिन दो लेग आपस में शॉर्ट करी होती हैं, तो नॉर्मली यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो, हाफ वोट का भी लगा लो, जिसकी वैल्यू 220 ओम्स लगभग होनी चाहिए, तो 220 ओम्स के रेजिस्टेंस को आप इन दोनों के बीच में लगा लो इस, अगर आपके पास ये नहीं है तो। इतना करते ही आपके इंडक्शन में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 101% हो जाएगा। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये प्रीसेट की दो लेग आपको ट्रैक करवाता हूँ। देखो पहली लेग अगर आप ये देखो, इसको बाहरी बार आप देखो, ये लेग यहाँ तक जा रही है, इसके बाद यहाँ से होते इधर पे जा रही, इसके बाद ये जंपर होते हुए इधर जंपर हो रखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जंपर है और इसके बाद ये जंपर यहाँ तक है, ध्यान से देखो इसके नीचे एक जंपर होगा, ये देखिए यहाँ पर भी जंपर है और नीचे भी जंपर है, तो यहाँ से यहाँ तक जंपर गया और यहाँ से यहाँ तक जंपर गया, और ये जो पॉइंट है ना वो आईजीबीटी जो यहाँ पर देख रहे ना, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर जिसको बोलते हैं आईजीबीटी, आईजीबीटी के 1, 2, 3 तीसरी नंबर की जो पिन होती है गेट कलेक्टर अमीटर, अमीटर की पिन से जुड़ा होता है, उसी का सारा सिग्नल हमारा माइक्रो कंट्रोलर को जाता है। इस पिन को आपको ट्रैक करवा दिया और दूसरी पिन को ट्रैक करवाता हूं, ये देखिए माइक्रो कंट्रोलर पे जा रही है पिन, यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर देख लिया आपने, इसके बाद यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट को ट्रैक करो, ये माइक्रो कंट्रोलर की इस पिन से वो कनेक्टेड है। तो समझ गए आप, एक एक चीज़ें बारी बारी से समझा दी मैंने। तो ये जो प्रीसेट है उसको चेंज कर लो। अब इसको चेक कैसे करते हैं, वैसे एक भी चेक करने का भी तरीका आपको बता देता हूँ।
अगर बिल्कुल बीच में, वैसे कंपनी तो बीच में सेट करके देती है उसको, जिसकी वैल्यू 200 ओम्स से लेके 260 ओम्स तक होनी चाहिए। जस्ट पीछे आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसे चेक करोगे, चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में रखना है, 2K पे रख लो, 200 पे चेक नहीं हो पाया, इसी तरीके से 2 किलो ओम पे रख लो और इस तरीके से आप इसको चेक करो। वहां पर देखो ये 247 250 के समथिंग ये सेट होता है, तो ये देखो 246-47 ओम्स दिखा रहा है, इधर पे कंपनी सेट करके देती है। काफी बार जब ये खराब हो जाता तो ये वैल्यू नहीं दे पाता, इसकी जगह पे बहुत ज्यादा वैल्यू आने लगती है, तो उसको हटा लो। अगर ये इतना नहीं दिखा रहा है, ठीक है, इतना नहीं दिखा रहा है, बहुत अटपटी वैल्यू दिखा रहा है, फिर नहीं दिखा रहा है, तो उसको हटा लो। अब इसको अगर मैं फुल कर देता हूं तो लगभग 500 ओम्स के समथिंग ये चला जाएगा। कितना दिखा रहा है, एक सेकेंड, इस तरफ फुल होने वाला है, और किसी किसी में इस तरफ को फुल होता है, किसी किसी में इस तरफ को होता है, ठीक है, अलग अलग कनेक्शन कंपनी के तौर पर, वैसे बीच में ही उसको करा जाता है। तो यहाँ पर 465 ये ओम्स है, वैसे ही इस वाले बोर्ड में इस तरफ को फुल होएगा, क्योंकि इसमें कनेक्शन उल्टे करे गए हैं। वो तो कनेक्शन के ऊपर बात है, किस तरीके से कंपनी बोर्ड में करके दे रही है। देखो इसमें इस तरफ को फुल होने वाला है, लेकिन फुल पे नहीं रखना, इसको सेंटर पे रखना इस तरीके से। तो लगभग वही 200 से 260 के, इसमें 267 दिखा रहा है सेंटर में, तो अलग अलग वैल्यू दिखाता है, ठीक है। तो मैंने वैसे आपको बता दिया 200 ओम से लेके 260 ओम्स तक में इसको सेट करके रखना है। अगर ये नहीं हो तो इसकी जगह पर रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, 200 से लेके 260 के बीच की जो भी रेजिस्टेंस आपको मिल जाए इसकी जगह पर लगा सकते हो। जम्पर मत कर देना बस, बाकी इसमें सेट कर लेना, और जो ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन 101% हो जाएगा। और इंडक्शन में जो E0 एरर या E एरर की जो समस्याएं आती हैं उसका भी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लो, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एरर की जितनी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उस वीडियो से हो जाएगा। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। वैसे वीडियो मैंने छोटी बनाने को सोचा था, लेकिन थोड़ा सा लंबी बन गई। सीखने के लिए तो भाई मिला ही होगा, डिटेल से सिखाता हूँ, शॉर्टकट कोई भी तरीका नहीं है, डिटेल से सिखाता हूँ। और एक रिसेंटली एक और वीडियो बनाया था जिसमें भाई एक ऐसा फॉल्ट मेरे पास आ गया था जिसमें बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, यानी कि प्राइमरी सेक्शन जो उसका ये सेक्शन होता है जिसमें से 18 और 5 वोल्ट बनती है, 5 वोल्ट जो डिस्प्ले को चलाती है, 18 वोल्ट जो इसमें लगे फैन को चलाता है, वो वोल्टेज बन नहीं रही थी। प्रॉब्लम क्या था, एक छोटे से जेनरेटर डायोड का था जो कि इसके ही साथ में लगा हुआ रहता है उसको सिग्नल देने के लिए, तो वो खराब होने की वजह से या ओपन होने की वजह से वो प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो भाई काफी बार उस प्रॉब्लम में काफी लोग फंस जाते हैं, तो देख लेना वीडियो, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में पॉसिबल हो तो लिंक आपको दे दूंगा। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, इस तरीके से छोटी मोटी जानकारी सीखते रहिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।